हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज बनाया है मैंने पानी वाला मिर्च का अचार, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सुबह बनाकर हम शाम को इसे खा सकते हैं। तो देख लेते हैं पूरी रेसिपी कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। तो मैंने ले ली है 8 हरी मिर्चें, इस तरह की ये लंबी लंबी मिर्चें हैं। तो मैंने गैस के ऊपर जो है 1 बड़ा गिलास पानी का बर्तन में एक में रख लिया है, और पानी जो है हमारा बॉईल होना शुरू हो गया है। अब मिर्चों को मैं इसमें डाल दूंगी और इन्हें जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए बॉईल कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी मिर्चें जो है बॉईल हो रही है। इसे एक चम्मच से हम इस तरह से उल्ट पलट कर देंगे ताकि ये दोनों साइड से जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए जी, मिर्चें हमारी जो है सॉफ्ट हो चुकी है। इसी तरह की मिर्चें हमें चाहिए। देखिए इस तरह की हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो मिर्चों को जो है एक प्लेट में हम निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और जो जिस पानी में हमने इसे बॉईल किया था इन्हें, उसे हम साइड रख देंगे, फेंकेंगे नहीं। तो अब कर लेंगे इसे मसाला बनाने की तैयारी। तो मैंने एक पैन ले ली है, इसमें डाल दूंगी मैं 2 बड़े चम्मच सौंफ और 1 बड़ा चम्मच डालेंगे हम राई। इन दोनों मसाले का जो है हम खुशबू आने तक भून लेंगे। इस तरह का अचार बनाया हुआ आप सुबह बनाया हो और शाम को इसे खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मजेदार लगता है। तो देखिए मसाले से जो है इस तरह की राई की चटचट की आवाज जो है आनी शुरू हो गई है। तो इसी स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मसाला हमारा ठंडा हो चुका है और ले लिया हमने एक मिक्सर जार, इसमें डाल के इसे हम पीस लेंगे। इसको हल्का दरदरा ही पीसेंगे। तो देखिए जी, मसाला जो है हमारा पीस चुका है, इसे भी इस प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो अब इसमें मिला देंगे हम नमक। जितनी आपने मिर्चें ली है आप अपने हिसाब से नमक जो है इसमें डालिएगा। तो 1 पिंच डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं साबुत मेथी। तो इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो जो हमने मिर्चें बॉईल करके रखी थी, अब इसे हम इस तरह से चाकू से कट लगा देंगे क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से सारी मिर्चों को इसी तरह से हम कट लगा लेंगे। ये बिल्कुल आसानी से जो है इसमें कट लग जाता है। तो सारी मिर्चों में जो है हमने इस तरह के कट लगा दिए है। अब भर लेंगे इसमें हम मसाला जो हमने इस तरह से पीस के रखा था। ये देखिए इस तरह से स्पून से इसमें डाल देंगे और इसी तरह से अब सारी मिर्चों को जो है, इसके बीज बाहर नहीं निकालेंगे, इसी के बीच में हम ये मसाला भरेंगे। इसी तरह से अब हम सारी मिर्चों को तैयार कर लेंगे। तो देखिए जी, सारी मिर्चों को हमने भर के इस तरह से तैयार कर लिया है। तो मैंने इस तरह का एक शीशे का जार ले लिया है और इसमें अब हम सारी मिर्चों को एक एक करके इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी डंडी को भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो देखिए सारी मिर्चों को हमने इस तरह से जार में डाल दिया है। अब जो पानी हमने रखा था जिसमें मिर्चें बॉईल की थी, उसको हम
अब इस जार में डाल देंगे। पानी भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो देखिए इस तरह से हमने सारे पानी को इसमें डाल दिया है और ये मिर्च जो ऊपर निकली थी इसे भी इसके बीच में हम डिप कर देंगे। इस अचार को आप 6 से 7 घंटे बाद खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये बन के तैयार हो गया हमारा इंस्टेंट मिर्च का अचार। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।